नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव का मतदान और गर्मी के बीच लगता है 36 का आंकड़ा है। कारण मई के महीने में ग्वालियर में भीषण गर्मी पड़ती है, जिसका प्रभाव यहां होने वाले मतदान पर पड़ता है। यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है, मतदान का प्रतिशत बढ़े, यह चुनौती जिला प्रशासन के सामने है। पिछले लोकसभा चुनाव में 53% मतदान हुआ था तो 2009 में केवल 41.16 पर ही अटक गया था, लेकिन इस बार जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कमर कस ली है और कमोवेश 75% मतदान का टारगेट रखा है और वे उसके लिए वे प्रयास भी कर रहे हैं। ग्वालियर में 12 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। यदि पिछले सालों की मई के दौरान गर्मी के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो 2014 के चुनाव में मई में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रहा था और औसत तापमान 46 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मई महीने में नौतपा का प्रभाव रहने से ग्वालियर बुरी तरह तपता है। साथ ही ग्वालियर चारों ओर पहाड़ और राजस्थान से भी प्रभावित रहता है, जो ग्वालियर क्षेत्र की गर्मी में और अधिक इजाफा करता है। देखिए, इस समय जो तापमान चल रहे हैं ग्वालियर में वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहे हैं और अब लगातार अब टेम्परेचर में वृद्धि होगी और अप्रैल में जो तापमान जाते हैं लगभग अधिकतम तापमान अप्रैल का जो पिछले वर्ष रिकॉर्ड हुआ था अप्रैल का तापमान वो 43.5 था, तो इस तरीके से 44-45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अप्रैल में रहने की संभावना है। दूसरा, मई के फर्स्ट वीक में भी इसी तरीके से 44-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह सकता है अधिकतम तापमान, और जो मई के जो आखिरी में जो 25 से लेके लगभग 2 जून तक उसमें अधिकतम तापमान रिकॉर्ड होता है और वो ग्वालियर में पिछले बार 246.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था, तो इस वर्ष भी ऐसी संभावना बन सकती है कि 46-47 डिग्री सेल्सियस मई के एंड में तापमान रह सकते हैं। देखिए, ग्वालियर में मुख्यतः अप्रैल, मई और जून तीन जो महीने होते हैं वो गर्मी के महीने होते हैं और ये इसमें जैसा कि अप्रैल में जो है टेम्परेचर 43-44 रहता है तो मई के फर्स्ट वीक में भी 44-45 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना होती है और इस 44-45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड होते भी हैं। ग्वालियर के जिला निर्वाचन कार्यालय में इस बार लोकसभा चुनाव का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। जहां तक आंकड़ों को देखें तो 2009 के चुनाव में 41.16% मतदान हुआ था तो 2014 के चुनाव में 52.80% वोटिंग लोकसभा में हुई। खास बात यह है कि डीएम भी मानते हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने में गर्मी एक बड़ा फैक्टर है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और सभी लोग मतदान करने आए, इसके लिए उन्होंने 5 मेजर फैक्ट्स पर फोकस करने की बात कही। हमारे यहाँ जो 5 मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें युवा 18-19 वर्ष की आयु के प्रथम बार के मतदाता, महिला, दिव्यांगजन, वृद्धजन और ऐसे लोग जो महिलाएं जिनके हस्बैंड नहीं है, इन सभी अगर फोकस करना चाह रहे हैं कि जैसे इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बढ़े। पिछली बार हमारा वोटिंग परसेंटेज लोकसभा निर्वाचन में कम था, हम कोशिश करेंगे कि इन सभी मेजर से हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मई में भीषण गर्मी के मद्देनजर मतदान के दिन इस बार प्रशासन कुछ अलग ही इंतजाम कर रहा है। पोलिंग बूथ के पास मतदाताओं के लिए ठंडे पानी के लिए मटके रखे जाएंगे, साथ ही छाया का विशेष प्रबंध भी किया जाएगा। कुछ जगह सहूलियत के अनुसार कूलर भी लगाए जाएंगे। इस बार हम लोग 12 मई को एक गर्मी का सीजन रहेगा तो हम लोग सभी मतदान केंद्रों पर शेड की व्यवस्था करेंगे, हम अपने मटकों की व्यवस्था करेंगे और नए मटके रहेंगे, वो सभी ऐसे मटके जो 8-10 दिन पुराने हों मटके, और वो उसमें पानी, शीतल जल लोगों को मिल पाए, छाया मिल पाए, और कोशिश करेंगे कुछ मतदान केंद्रों को जो बहुत वैसी जगह पे वहाँ पे कूलर जैसी व्यवस्था भी देने की स्थिति में आ पाए। सब जगह तो संभव नहीं होगा लेकिन यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जितना फैसिलिटेट करना पड़े, हम ये भी देखेंगे जो विधवा है, विकलांग है, दिव्यांगजन है, उनको लाइन में ना खड़ा रहना पड़े। तो कई बार लंबे समय अगर कम समय के लिए आदमी 10 मिनट में आदमी का अगर काम हो जाता है तो उसको इस तरह वो वोटिंग के लिए मोटिवेटेड रहेगा।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन के प्रयास क्या रंग लाते हैं, उसने जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने का टारगेट रखा है उस तक पहुंच पाता है या नहीं। जबकि हाल के विधानसभा चुनावों में ग्वालियर जिले में 70% के आसपास मतदान रहा था, यदि यहां तक भी हो जाए तो अच्छा कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को पार्टी का थीम सॉन्ग भोपाल में सीएम कमलनाथ ने जारी किया। इसको सुनने शहर जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेश शर्मा के साथ तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कार्यालय में आईटी विभाग ने टीवी पर इसे सुनाने की व्यवस्था की थी। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस ने अपने थीम सॉन्ग में देश के दिल से दिल्ली तक का नारा दिया है। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव का लक्ष्य हासिल करने में जुटना है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, और आज जो थीम सॉन्ग 7 बजे सारे प्रदेश के सारे जिला मुख्यालयों पर LED पर आज रिलीज होगा, और साथ में हमारा जो वचन पत्र है उसको भी दिखाया जाएगा LED पे, और आज जो है आगाज होने जा रहा है लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इसे जन आवाज नाम दिया है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मैनिफेस्टो में 5 प्रमुख वादे किए गए हैं। किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा, साथ ही कृषि कर्ज की डिफॉल्टरों पर फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा, और देशद्रोह से जुड़ी एक धारा को समाप्त किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि घोषणा पत्र देश विरोधी है और इससे हिंदुस्तान को बांटने का काम होगा। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वह देशद्रोही मानसिकता को पोषित करने वाला है, और मैं समझता हूँ कि इस घोषणा से उनका असली चरित्र फिर से प्रकट हुआ है, और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का प्रधानमंत्री ही कश्मीर का प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, और कांग्रेस को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस का अधिकार शिकायत करने का है, ना वो TV शुरू होगा तो नियम प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। महिलाओं ने होली दहन के बाद गुरुवार को गणगौर की पूजा की। खंडेलवाल समाज की महिलाओं ने इसके लिए सामूहिक चल समारोह भी निकाला, जो कि भावका बाजार से शुरू होकर खासकी बाजार स्थित खंडेलवाल धर्मशाला पहुंचा। चल समारोह में गणगौर पूजन के लिए बच्चों को दूल्हा और दुल्हन बनाकर सजाया गया, और इसके बाद महिलाओं ने गणगौर के गीत गाकर पूजन व अर्चन किया, और चल समारोह के खत्म होने के बाद महिलाओं के लिए विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी की गई। इसमें हमने जयगढ़ सजाओ प्रतियोगिता, गणेश्वर गणगौर सजाओ प्रतियोगिता, राजस्थानी लोक नृत्य एंड लोक गीत प्रतियोगिता आयोजित की है। ये खंडेल समाज की ओर से आयोजित किया जा रहा है, कितने दिन का आयोजन ये? वैसे तो 16 दिन का आयोजन होता है, पर ये हमने एक दिवसीय आयोजन किया है। इसमें जयगढ़ गणगौर का बाना आज शोभा यात्रा निकली है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कहाँ पे कम? ये भाऊ के बाजार से लेके खासकी बाजार खंडेलवाल धर्मशाला तक जाएगी। वहाँ पे पहुँचने पे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? वहाँ ये सब प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जो मैंने अभी आपको बताई है, उस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विगत 3 दशकों से वंचितों की भूमि अधिकार पर संघर्षरत एकता परिषद द्वारा भारत में सभी भूमिहीनों और आवासहीनों को भूमि अधिकार सुनिश्चित करने की मांग पर लोगों को जमीन अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भूमि अधिकार कानून लागू करने की घोषणा के बाद एकता परिषद के सदस्यों ने इस पर खुशी जाहिर की है। इनका कहना है कि हम इसे एकता परिषद के जमीनी आंदोलनों की सफलता मानते हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगी। देखिए, एकता परिषद पिछले 2 दशक से राष्ट्रीय भूमि सुधार के मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहा है। भारत सरकार के साथ 2012 में आगरा में समझौता हुआ, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, उसको लेके 2 अक्टूबर 2018 को पुनः हम लोग ग्वालियर की धरती से 25 साल लोग इकट्ठे हुए और यहाँ से पदयात्रा शुरू की कि कम से कम सरकार ने जो वायदे किए हैं उन वायदों पर सरकार अमल करे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब
राष्ट्रीय लोकतंत्र का राष्ट्रीय पर्व शुरू हो गया, लोकसभा का चुनाव आ गया, तो इस अवसर पर हम लोग अभियान शुरू कर रहे हैं कि हम तो सवाल पूछेंगे कि पिछले 5 साल में जो हमारे अधिकार थे उस पर आपने क्या किया। अभी तक हमको आवासीय भूमि अधिकार का पट्टा क्यों नहीं मिला, हमारे गाँव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध क्यों नहीं करा पाए। तो इस प्रकार के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन जन सरोकार के मुद्दों पर लोग गांव-गांव में तैयार हो रहे हैं और लोग अपने गाँव की जो मुख्य मूलभूत समस्याएं उनको एक साथ करके जो भी लोग जाएंगे उनसे सवाल करने का काम करेंगे। अभी पूरे मध्य प्रदेश में जिसका वन मान्यता अधिनियम के तहत 3,22,000 लोगों को पट्टा मिला, लेकिन 4.5 लाख पट्टे जिनके आवेदन दिए थे वो निरस्त हो गए, तो उन मुद्दों को भी इस लोकसभा चुनाव में हम लोग उठाने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों को हम लोगों ने भूमि सुधार के मुद्दों को लेकर अपना मेमोरेंडम दिया है कि वो अपने जो उनका अनाउंसमेंट है उसमें इसको शामिल करें। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, कुछ राजनीतिक पार्टियां अभी विचार विमर्श कर रही हैं कि भूमि सुधार के मुद्दों को उसमें शामिल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे ताकि कम से कम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के अंतर्गत ग्वालियर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के विरोध में कर्मचारियों द्वारा किला स्थित पुरातत्व विभाग कार्यालय के बाहर धरना देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि दैनिक वेतन भोगियों को बिना किसी लिखित सूचना पर केवल मौखिक आदेश पर हटाया गया, जो कि सरासर गलत है। सर, हमारा कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, उसके बावजूद इन लोगों ने अपनी तानाशाही करके हम लोगों को 1 तारीख से काम पर बंद कर दिया है। हमारी जो बायोमेट्रिक मशीनें थीं वो पूरी तरह से डिपार्टमेंट से हटा दी हैं और साफ बोल दिया है कि आप पुलिस बुलाओ, मीडिया बुलाओ, आपको जो करना है वो करो ना, हम किसी कोर्ट को मानते हैं, हमको काम पर नहीं रखना है, हम ठेकेदारी पता करेंगे। जो DG है हमारे उषा शर्मा, उनके सारे भाई बहन को सबको काम दिया गया है, ठेका प्रथा सब चल रही है, चारों तरफ ठेके का काम हो रहा है, हम लोगों को पूरी तरह से हटा दिया गया है और हमारे घर पर रोटी का भी संकट आ गया है। 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिली हुई है, जो आप देख रहे हैं लोगों को कैसे गर्मी में बैठे हुए, पर उसके बावजूद उन लोगों पर कोई भी इस बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है और हम लोग लगातार 4 दिन से धरना दे रहे हैं, पर वो लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं। एक भी अधिकारी भोपाल लेवल से या दिल्ली लेवल से हमसे न बात करने की कोशिश कर रहा है, न हमसे मिलने की कोशिश कर रहा है। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के बड़ा गाँव में रहने वाले एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को PM हाउस पहुंचाकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। बताया गया है कि मृतक नबी शाह सुबह बाइक से प्रेस्टीज कॉलेज जाने के लिए निकला था और सुबह 8:30 बजे के करीब अज्ञात बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसा नेशनल कॉन्वेंट स्कूल के सामने हुआ, जिसके बाद पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। ये सुबह कॉलेज जा रहा था, पीछे से बस ने इसको टक्कर मार दी और बड़े गांव चौराहे पर रहता है ये, आर्मी से है ये, तो उसके भाई को मालूम है, इसको भाई जो था वहाँ खड़ा हुआ था ना उसको मालूम है, ये मुझे नहीं। जब बड़े गांव पर ये कॉलेज जा रहा था तो कोई स्कूल बस है पीले रंग की, अभी आया है, नंबर नहीं क्लियर हो पाया है, उससे एक्सीडेंट हुआ है। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना इलाके में एक विवाहिता ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना होली के समय की है, जब विवाहिता को उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने होली खेलते समय विवाहिता से छेड़छाड़ कर उसे गलत तरीके से रंग दिया और गुस्से में आकर महिला ने अपने घर में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसके बाद उसे बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर उसे JH में रेफर किया गया, लेकिन जब तक महिला ने दम तोड़ दिया। ये होली में आग लगाने से घटना हो गई थी, जो होली वाला नोटिस दी थी रंग लगाने की, शर्म के वजह से उसने आग लगा ली। जो मोहल्ले वाले लड़के थे, हाँ, उसके बाद में बिरला में भर्ती कराया, 5 दिन उसमें रहा, उसके बावजूद मतलब इसमें सरकारी में एडमिट कर दी, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। नहीं, उन्हीं के बयान है, हमने किसी के पूरे उसी के बयान है जो उसी ने बयान दिए, 3 लोगों थे, 1 महिला थी। मृतका का नाम है लक्ष्मी श्रीवास, उसके पति का नाम ब्रजेश श्रीवास है। ये मोती झील में शादी हुई थी इसकी 3 साल पहले, रहने वाली पिपरहुआ गांव थाना चिनौर की रहने वाली है। ये भर्ती थी, ये अभी 21 तारीख को इसकी जो है तेल डाल के आग लगाने से मतलब उपचार के लिए JH में भर्ती थी और भर्ती के दौरान कल दिनांक 3 तारीख को शाम को इसकी 5:30 बजे
मृत्यु हो गई। अब ये तो मामला अभी जांच में लिया जाएगा, जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई कानूनी विधि के अनुसार जो है की जाएगी। चंबल अंचल के भिंड जिले से अगवा एक नाबालिग लड़की से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड एसपी को निर्देशित किया है कि वे अपनी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच दल का गठन करें। यह जांच दल हर सप्ताह मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। दरअसल साल 2018 में भिंड शहर से एक 16 साल की नाबालिग लड़की अचानक गायब हो गई थी। इसका मामला कोतवाली थाने में दर्ज है। घर वालों ने लड़की को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। तब परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस भी मामले में उल्लेखनीय प्रगति हासिल नहीं कर सकी। तब लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इस मामले में आखिरी सुनवाई दिसंबर में हुई थी। तब से अब तक पुलिस की ओर से मामले से संबंधित कोई भी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश नहीं की गई। गत दिवस भिंड पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब पेश किया था और कोर्ट को बताया था कि पुलिस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही है। एक पुलिस पार्टी गुजरात में भेजी गई है जहां लड़की का पिता काम करता है। इस पर हाईकोर्ट ने भिंड एसपी को निर्देशित किया कि वे लड़की को ढूंढने जांच दल का गठन करें और जल्द से जल्द लड़की का पता लगाकर उसे कोर्ट में पेश करें। जब तक लड़की का पता नहीं चले तब तक मामले की रिपोर्ट से हर सप्ताह कोर्ट को अवगत कराए। ये भिंड का मामला है और इसमें माइनर गर्ल मिसिंग है 2018 से, और 4 महीने बाद ये केस लिस्ट हुआ लेकिन स्टेटस रिपोर्ट चूँकि अधिकारियों के ट्रांसफर्स वगैरह हुए उस वजह से प्रॉपर पेश नहीं हो पाई। तो ये इट वाज लिस्टेड यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने एसपी भिंड को डायरेक्शन दिए हैं कि इस चूँकि ये मैटर माइनर गर्ल मिसिंग का है तो वो खुद इस एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करें, 5-member टीम, और खुद ही उस टीम को हेड करें। चूँकि उस बच्ची का फादर गुजरात में रहता है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और हर 8 दिन में वो एफिडेविट के साथ करंट स्टेटस रिपोर्ट एसपी भेंट स्वयं एफिडेविट पेश करें माननीय न्यायालय में, और सारे स्टेटस का इन्वेस्टिगेशन का माननीय न्यायालय को अवगत कराएं ये केस। और टीम में कल मेरी बात हुई है, माननीय न्यायालय के ऑर्डर के कंप्लायंस में टीम गुजरात भेज दी गई है, जो एसपी भिंड ने जानकारी दी है, और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखते हैं 8 दिन में प्रोड्यूस कर पाते हैं या उसके कोई वेयर अबाउट्स मिलते हैं कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन दी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। शहर में यातायात व्यवस्थाओं की बेहतरी और सुगत यातायात संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कलेक्टर अनुराग चौधरी और एसपी नवनीत भसीन गुरुवार की शाम गोलेका मंदिर इलाके में सड़कों का जायजा लेने पहुंचे। यहां इन्होंने ट्रैफिक के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सड़क किनारे बेवजह वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। ये अपने लोग ट्रैफिक जितने पॉइंट्स हैं उनका अध्ययन किया गया है, एसपी के साथ, कमिश्नर नगर निगम के साथ सभी पॉइंट्स को व्यवस्थित करके ट्रैफिक को व्यवस्थित करने का कार्रवाई किया जाएगा। ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर सुभाष मार्केट और नजरबाग मार्केट के बाहर बैठे फुटपाथ व्यापारियों का गुरुवार को यहां वाहन रखने को लेकर एक व्यापारी से विवाद हो गया और मामले ने झगड़े का रूप ले लिया, जिसके बाद व्यापारियों ने एकजुट होकर अपनी दुकानें बंद कर फुटपाथ कारोबारियों को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर यहां स्थानीय विधायक प्रवीण पाठक भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने फुटपाथ कारोबारियों को 3 दिन में शिफ्ट करने की बात कही, जिस पर व्यापारियों ने दुकानें खोली। अभी ये हम लोग जो पट्टे लगाए हुए थे अपने दुकान, जैसे डेली हमारी दिनचर्या के हिसाब से जैसे लगाते हुए आ रहे वैसे लगाते हुए हम अपनी दुकान आ रहे थे। ये बगल में हमारे सुभाष मार्केट में जो फ्रंट पे एसएचडी एम्पोरियम वाले हैं,
ये जी अपनी गाड़ी लेके आए, गाड़ी लाके उन्होंने क्या करा कि गाड़ी बीच रास्ते में लगा दी जहाँ से आम पब्लिक निकलती है उस रास्ते से। मैं उनके शोरूम में गया, मैंने हाथ जोड़ के उनसे विनती करी, मैंने भैया ये गाड़ी है ना आप थोड़ी सी साइड में लगा दो। चाबी लेने के लिए गया, उन्होंने गाड़ी मुझे दी, उन्होंने बोला कि नहीं ये ऐसा करो कि ये गाड़ी यहीं पर लगी रहेगी। तो मैंने कि भैया देखो आम पब्लिक के लिए दिक्कत आती है और क्या नाम पटे वाले बदनाम होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं गाड़ी तो यहीं लगी रहेगी। तो वो एकदम से आए बाहर और उन्होंने गाड़ी उठा के और बाहर के तरफ लगा दी। तो मैंने कि भैया ये क्या बात है। तो इतने में उनके मार्केट के एसोसिएशन के उनके लोग आए, उन्होंने बोला क्या बात हो गई। मैंने भैया ऐसे ऐसे, तो उन्होंने हमारा पक्ष ना सुनते हुए उनके पक्ष को सुना कि जी ऐसे गए गाली गलौज करने लगे। तो मैंने कहा भैया गाली गलौज वाली बात ही नहीं, और मैंने तो हाथ जोड़ के इनसे विनती करी कि ये गाड़ी बीच में लगी, इस गाड़ी को यहाँ से हटा दो, मतलब साइड में। तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम गाड़ी हटाते हैं, आप ऐसा करो अपना पट्टा हटा लो। तो मैंने भैया हम 30 साल से यहाँ पे, हमारे कई ऐसे लोग हैं जो अपना व्यवसाय करते हुए आ रहे हैं फुटपाथ पर, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल गलत हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इस मार्केट के अंदर कम से कम 50 से 60 कैमरे हैं, और जिस SIT एम्पोरियम वाले से ये विवाद हुआ उसकी दुकान के अंदर भी कैमरे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो उन कैमरों की छानबीन करी जाए और जो सत्यता हो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए, चाहे मैं हूँ या उन्होंने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये झूठा आरोप लगा रहे तो हम पुलिस की शरण बिल्कुल लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रशासन एक तरफा ना सुनते हुए दोनों पक्षों की सुने और जो जायज़ है उसी पर कार्रवाई करी जाए। ये सब बाहर जो है बैठे हुए हैं फट्टे वाले, ये आए दिन जो है दुकानदारों से गाली गलौज मारपीट अभद्र व्यवहार समाज के ऊपर जो है भाई उसकी जो है कटाक्ष करना, तो ये इनकी आए दिन की बात हो गई है। आज दुकानों में घुस के अगर व्यापारियों से दुकान में घुस के इस तरीके से गाली गलौज और मारपीट और जो है समाज के ऊपर छींटाकशी होगी तो फिर दुकान लगाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। लाखों रुपए लगा के बैठे हैं, करीबन 2500 दुकानदार हैं ये अपन सब। आज का यही है दुकान में वो गए हैं वो जिनके साथ मारपीट हुई है, पहले नंबर दूसरे नंबर की उधर 81 नंबर है, तो उनके साथ जो है मारपीट गाली गलौज भाई। तो अगर दुकान के सामने आके बैठ जाओ, दुकान बंद करके बैठे हैं और पुलिस के पास लिए गए हैं भैया भाई हमें मदद करो, सभी आप लोगों के पास आए हैं मदद करो भाई इस ये फिर हमको। तो अगर ये स्थिति बनेगी तो ये मार्केट्स तीनों चारों नहीं खुलेंगे। ये नजरबाग और सुभाष मार्केट के बाहर जो लोगों ने अतिक्रमण करके बाहर फड़ लगा रखे हैं, इनके द्वारा व्यापारी से आज गाली गलौज कर धमकी दी गई थी और इसके बाद में इन व्यापारियों ने जो है अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, यही विवाद खड़ा हुआ है। अधिकारियों नगर निगम अमले को सब लोगों को अवगत कराया गया है, जैसा भी स्टेप वरिष्ठ अधिकारीगण लेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो यहाँ फुटपाथ के कुछ व्यापारी हैं उनकी और सुभाष मार्केट के कुछ व्यापारियों के बीच विवादास्पद स्थिति बन गई थी, जिससे आक्रोश में आके नजरबाग मार्केट और वहाँ सुभाष मार्केट के दोनों व्यापारियों ने पूरा बाज़ार को बंद कर दिया था। मैंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, और सभी व्यापारियों की ये समस्या है कि जो अतिक्रमण है बाड़े पर उसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ यहाँ मार्केट वालों को होती हैं। तो कल जो डेलीगेशन है नजरबाग मार्केट का और सुभाष मार्केट का, उनके साथ बैठना का तय हुआ है और आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर इसका हम सकारात्मक रूप से समाधान निकाल लें। देखिए ये मेरे परिवार के लोगों की दुकानें हैं और ये बंद अच्छी नहीं लगती। जो भी समस्या है जो भी विवाद है वो तो बैठकर मिलकर सुलझ जाएगा, पर व्यापारी का सबसे बड़ा नुकसान जब उसकी दुकान बंद होती है तब होता है। मैं अपने परिवार के लोगों का नुकसान नहीं चाहता कभी। ग्वालियर में स्कूल वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाने के मामले में कोर्ट की फटकार के बाद RTO और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त चेकिंग चलाते हुए गुरुवार को फालका बाजार स्थित कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल के बाहर चेकिंग करते हुए यहां ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान जब ऑटो चालकों को जब RTO की कार्रवाई की जानकारी मिली तो वे रास्ते में ही आधे बच्चे छोड़ आगे बढ़ लिए, जिस पर जब चेकिंग अमले ने उनसे पूछा कि रोज कितने बच्चे आते हैं तो बच्चों ने बताया कि अंकल ने कुछ बच्चों को आज नहीं बिठाया है, जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान RTO MP सिंह और यातायात प्रभारी नरेश अन्नौटिया यहां मौजूद रहे। भाई नया सत्र शुरू हुआ है एजुकेशन का, तो बच्चों की ओवरलोडिंग करना और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उनका पालन नहीं करने के वजह से आज स्कूली वाहनों पर RTO साहब द्वारा और हमारे द्वारा मिलकर संयुक्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें 11-12 वाहन हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं
आरटीओ कार्यालय में जब्त हैं, आरटीओ साहब उन पर कार्रवाई करेंगे। और कुछ वाहन जो रोंग साइड जा रहे थे स्कूली वाहन, उनकी मौके पर ही समन शुल्क जमा करा के छोड़ दिया गया था। देखो भाई, पेरेंट्स की भी मजबूरी है, लेकिन क्या है कि किसी मजबूरी के कारण ये नहीं कर सकते हम कि जानबूझ के दुर्घटना के लिए किसी को खुली छूट दी जा सके। और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।